ये जो आए हैं कैंडिडेट हमारे यहाँ चुने गए हैं भाजपा की ओर से, एक कार्यकर्ता न कार्यकर्ता इनको जानता है, राजनीति के ABCD नहीं मालूम है, बस परवस दिया गया है, ये गलत है। जो नेता इस जनता को पूरे क्षेत्र को जानता हो उनके लिए करता हो टिकट उनको मिलना चाहिए। जब तक इस क्षेत्र का क्या नाम है उम्मीदवार नहीं रहेगा तब तक शंकरगढ़ का विकास नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब उम्मीदवार किसको बनाना चाहते हैं, सांसद का उम्मीदवार? अब उम्मीदवार क्या, हाईकमान ने तो क्या नाम है बाहरी नेता को चुन लिया है, हमें अगर बाहरी नेता, हमारा क्या समस्या जाने का, घर की समस्या घर के लोग जानेंगे, बाहरी लोग तो नहीं जानेंगे। जो यहाँ के BJP के नेता वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं, हम समस्या उनको देते हैं इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं, एक बार बात करने के बाद दोबारा मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मेरी समस्याओं को सुनना नहीं चाहते वो, तो हम लोग क्या करें? इसलिए हम लोग विवश होकर पूर्ण बहिष्कार करने का फैसला किया सारे व्यापारियों ने, पूरे नगरवासियों ने। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आप तो जानते हैं दर्शकों कि लोकसभा चुनाव 2024 आ चुका है और कुछ ही दिन बाद पहले फेज की वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि दोस्तों जब काम नहीं हुआ रहता है तो सरकार की जो कमियां होती है उसका भी विरोध करना शुरू कर देते हैं चुनाव आने से पहले कुछ लोग, ठीक है। और जो सरकार अच्छा काम की रहती है या फिर जो काम सरकार बुरा की रहती है उसका लोग जो है कहीं ना कहीं सवाल पूछते हैं सरकार से, सत्ता पक्ष से। तो आइए दर्शकों, इस वक्त मैं प्रयागराज के शंकरगढ़ में हूँ और शंकरगढ़ के व्यापारी आखिर क्यों इस वक्त नाराज चल रहे हैं उनसे पूछेंगे, क्योंकि दो तीन दिन से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि व्यापारी यहाँ के नाराज है। तो इस वक्त मैं व्यापारियों के पास ही मौजूद हूँ और इनसे स्वयं पूछूंगा कि आखिर ये लोग नाराज क्यों हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे इस बार ये लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, आखिर क्यों ऐसी नौबत आ गई है। आइए, तो क्या नाम है आपका? अरविंद केसरवानी, व्यापार मंडल अध्यक्ष शंकरगढ़। क्या है आपका मुद्दा, क्या कहना चाहते हैं? आखिर आप लोग जो बोल रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करना है, मतदान का बहिष्कार करना है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि हम लोग की समस्याएं बहुत हैं शंकरगढ़ में, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना हमारे सांसद जी ने सुना, कई दो बार हम लोग सांसद बनाए 10 वर्ष से, कोई सांसद ने यहाँ की समस्याओं को सुना ही नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया गया, सिर्फ आश्वासन, व्यापारियों ने वोट दिया लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन दे के फिर वही चुनाव आ गया, फिर वोट चाहते हैं, सिर्फ आश्वासन दे के वोट लेना चाहते, तो हम लोग इस आश्वासन पे वोट देने वाले नहीं, काम पे वोट देना चाहते हैं, काम नहीं विकास नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे, पूर्ण बहिष्कार करेंगे। अच्छा, उन सांसद महोदया का तो टिकट भी काट दिया है भाजपा ने, तब का बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार हम लोग सिस्टम पे कर रहे हैं, अधिकारी भी हम लोग को नहीं सुन रहे, हम लोग को फोन नहीं उठाया जा रहा है, चलती हुई महानगरी बस सेवा ले ली गई, चलती हुई महानगरी सेवा ले गई, बच्चे परेशान, लेडीज परेशान, यहाँ की माताएं बहनें परेशान, आसपास के गांव के लोग सारे परेशान, पब्लिक परेशान, कोई सुनने वाला नहीं, फोन नहीं उठाते अधिकारी, नेता भी फोन नहीं उठा रहे हैं हमारे, जो यहाँ के BJP के नेता वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं, हम समस्या उनको देते हैं इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं, एक बार बात करने के बाद दोबारा मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मेरी समस्याओं को सुनना नहीं चाहते वो, तो हम लोग क्या करें? इसलिए हम लोग विवश होकर पूर्ण बहिष्कार करने का फैसला किया सारे व्यापारियों ने, पूरे नगरवासियों ने, चुनाव का बहिष्कार, हमारी समस्याएं बहुत है, हमने इस लेटर पर लिख के सोशल मीडिया में दिया है, ज़रूरत पड़े भी आपको बताया भी जाएगा, तमाम रोड की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, बस की समस्याएं हैं, गल्ला मंडी नहीं है, बस अड्डा नहीं है, सब्जी मंडी नहीं है, स्टेडियम नहीं है, कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं, सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं तो हम परेशान हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, एक महिला अस्पताल कई वर्षों से बिगड़ खंडहर पड़ा हुआ है, यहाँ की महिलाएं इलाहाबाद जाए, जिनके पास पैसा ना वो मर जाए घर में, डिलीवरी दर्शकों को दिखा दीजिए, ये राजकीय महिला जो है चिकित्सालय है शंकरगढ़ का, ये इन लोगों का कहना ये
क्या? अंग्रेजों के जमाने का है। आवाज 50,000 की आबादी वाला ये नगर है, यहाँ जीरो सुविधा है, जीरो। देख लीजिए, आ जाइए, देख लीजिए, आ जाइए, अंदर आ सकते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, इस तरह से खंडहर ये पड़ा हुआ है, गंदगी का अंबार ऊपर से देख सकते हैं, उधर साइड में देख सकते हैं, कोने तरफ लगा हुआ है, और यही सारी चीज़ों का विरोध ये लोग कर रहे हैं। और ये यही देख सकते हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने का जो है महिला चिकित्सालय है, अंग्रेजों के ज़माने का दर्शकों, और इसी का विरोध ये व्यापार मंडल वाले कर रहे हैं। तो बस यही है, या फिर इसके अलावा और जो बताए हैं समस्याएं हैं? और हम बता रहे हैं, हम धर्मेंद्र केसरवानी यही व्यापारी हैं। देखिए 4 करोड़ रुपए की जो यहाँ नल की सुविधा दी गई है, हर साल गर्मी में अधिकारी दौड़ लगाने लगते हैं और उसका नील बटा सन्नाटा निष्कर्ष निकलता है। आज 4-5 साल से पूरा इंसान एकदम बेवकूफ़ बन रहा है, गर्मी में 4-5 दिन में नल देता है, पानी की समस्या, सड़क जो यहाँ से कपारी को जोड़ती है इसीलिए बंद हो जाती है, रोडवेज की बसें जो सिंगल लोड है उसको डबल करना चाहिए। 50,000 की आबादी है यह नगर की, हाँ, लेकिन उसकी कोई सुविधा नहीं ना सड़क के लिए। 50 साल से हम लोग छोटे छोटे थे तब यहाँ रोडवेज बसें चलती थी, आज वो बसें बंद कर दी गई है। सोचिए कि कितना आदमी 1-2 घंटा अपने परिवार को लेकर वहाँ धूप में खड़ा रहे सूरज में, तब जाके बस मिलती है। भाजपा ये दावा करती है कि हमारे 10 साल के काम काजों के दौरान बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। जीरो काम हुआ है, जीरो, शंकरगढ़ के लिए जीरो काम हुआ है। इतना बड़ा नगर में 1 स्टेडियम नहीं, 1 पार्क नहीं है, क्या काम हुआ? शंकरगढ़ के विकास के नाम पे जीरो हुआ है, चाहे यहाँ सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो चेयरमैन हो, चेयरमैन की वजह से थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन आज बीच सड़क में कब ई रिक्शा पलट जाए कोई का भरोसा नहीं है। चेयरमैन की आंख बंद है इस समय, इतने बड़े बड़े गड्ढे है पूरे सड़क में, परिवार सहित लोग चलते, छोटे छोटे बच्चे, कब पलट जाए कोई वो नहीं है। सरिया दिख रही है, दिखा दीजिए आज इनको कैमरा में होता है को। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे एक राज्य की इंटर कॉलेज है जो कि आज 50 साल से चल रहा है, वहाँ पे बच्चे जाने को नहीं तैयार हैं, ना तो शिक्षक हैं, ना तो कहने में बिल्डिंग अच्छी बनी है। मुरली मनोहर जोशी के ज़माने में एक मिनी ITI आई थी, वो भी कहना में बंद पड़ी हुई है, बच्चे इलाहाबाद जा रहे हैं डिप्लोमा के लिए, वो भी कहना में नहीं चालू है। यहाँ पे जो बाहरी नेता आते हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। जब तक इस क्षेत्र का कहना में उम्मीदवार नहीं रहेगा तब तक शंकरगढ़ का विकास नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब उम्मीदवार किसको बनाना चाहते हैं? सांसद का उम्मीदवार? अब उम्मीदवार क्या, आप हाईकमान ने तो कहना में बाहरी नेता को चुन लिया है, हमें अगर बाहरी नेता, हमारा क्या समस्या जाने का? घर की समस्या घर के लोग जानेंगे, बाहरी लोग तो नहीं जानेंगे। तो सारे को जानते हैं, ये जो आए हैं कैंडिडेट हमारे यहाँ चुने गए हैं भाजपा की ओर से, एक कार्यकर्ता न कार्यकर्ता इनको जानता है, राजनीति के ABCD नहीं मालूम है, बस परोस दिया गया है, ये गलत है। जो नेता इस जनता को, पूरे क्षेत्र को जानता हो, उनके लिए करता हो, टिकट उनको मिलना चाहिए, ऊपर से भी गलत किया गया है।